أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين شرفا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज हम सूरह यूसुफ का वो पार्ट कवर करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला, जिसमें अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जो एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, इसका ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ था, उसको दिया. और वो मिनिस्ट्री ऐसी थी कि उस आगे 15 सालों तक सिर्फ उसी का ही चर्चा और दौर दौरा था. तो एक तरीके से नतबव्वा मिन्हा हैथु यशा के तहत एक तरीके से मिस्र के वो बादशाह ही बना दिए गए. और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि अब वो दौर सारा शुरू होता है कि मिस्र के अंदर और उसके गिर्द व नवा के अंदर, इस हद तक कि फ़लस्तीन तक आपको जो है ना वहाँ पे जो कहत साली है वो पहुँचती है और लोग भूख और अफलास और प्यास से मारे मारे फिर रहे होते हैं. तो ऐसे दौर के अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया था उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जिस तरीके से 7 साल काश्कारी की, फिर फरमा हसबतुम फदरू फी सुंबुली ही इल्ला कल्लम मा ताकुलून के तहत, फिर उन्होंने उस 7 साल में कम खा के, थोड़ा म्याना रवि से खा के और इसराफ से बचते हुए अगले 7 सालों की प्लानिंग करते हुए उन्होंने गल्ला जो था जिससे हर घर का चूल्हा जलता था उसको बचा के रखा. तो उस इल्म को सामने रखते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब पूरी प्लानिंग अच्छी तरीके से की तो वो कुरान का सियाक और कॉन्टेक्स्ट ये समझाता है कि वो इतना ज़्यादा भरपूर तरीके से उसको प्लान किया गया था, उसको उस इल्म को इस्तेमाल किया गया था और उसको अमल में लाया गया था कि आप सोचें कि कहाँ पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र और कहाँ पे फ़लस्तीन. तो वहाँ तक के जो लोग थे वो खिंच खिंच के मिस्र के अंदर आ रहे थे. तो अब यही जो कहत है और यही जो मुश्किल वक्त था, ये याकूब अलैहिस्सलाम और उनके जो बेटे थे जिन जो अपने आप को उस्बा कहते थे कि हम बड़े पावरफुल और हम बड़े ताकतवर एक जमात हैं, उन तक भी पहुंचता है. तो उनको एक ख़बर मिलती है कि मिस्र के अंदर एक बादशाह है, वो सब लोगों की जो है रखवाली कर रहा है, वो सब लोगों का ख्याल रख रहा है. तो वो उसकी तरफ सफ़र करते हैं और क्या है एक तारीख का अजीम लम्हा. और सोचे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस लम्हे के लिए, इन वक्तों के लिए कितना बर्दाश्त और सब्र किया होगा. वजह इख्वतु यूसुफ, अल्लाह कहते हैं और आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई, फदखलु अलैहि, और वो दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में. मतलब उसी
इंसान के दरबार में आज वो दाखिल हुए जिसको वो मुर्दा समझ के छोड़ के आ गए थे, या फिर जिसको वो कुएं में डाल के आ गए थे, और जिसको जिसको गहरा या अंधा कुआ कहा जाता था, कि जिसको सही तरीके से डेवलप भी नहीं किया था, उस कुएं के अंदर डाल के आए थे ताकि वो इतनी आराम से बाहर ना निकले। तो फ़ारफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, तो उनको तो भाइयों को देख के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसी वक्त पहचान गए, क्योंकि उनकी शक्लें याद थीं, उनकी अदावतें याद थीं, उनकी बदमाशियाँ याद थीं। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस ज़माने में बहुत छोटे थे, और जाहिर सी बात है एक इंसान अगर अपनी टीनेजर्स में हो, उसका फिर वो बड़ा हो के अराउंड कोई 30, 25, 30, 40 की एज के बीच में भी अगर एक इंसान है, उसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक इंसान इतनी आराम से उसको पहचान नहीं सकता। और जब वहम गुमान में भी ना हो कि हमारा जो भाई है वो इस मकाम मरतबे पे बरजमान होगा, तो फ़ारफ़ा हम वो तो उसको उसी वक्त पहचान गए, वहम लहू मुनकिरून, जब पूरी बातचीत के अंदर यूसुफ़ असलाम के भाई जो थे वो उनके मुनकर ही रहे, वो उनको पहचान ना सके। और यहाँ पे दो बड़ी प्यारी बातें हैं, जब यूसुफ़ असलाम की पहचानने की बात की तो अल्लाह ताला ने जुमला फ़ेलिया इस्तेमाल किया फ़ारफ़ा, और जब यूसुफ़ असलाम के भाइयों की बात की तो वहम लहू मुनकिरून जुमला इस्मिया का इस्तेमाल किया। और याद रखिएगा जुमला इस्मिया के अंदर हमेशा दवाम होता है, कंसिस्टेंसी होती है। मतलब क्या है कि जब तक वो वहाँ रहे तब तक वो मुनकर ही रहे, वो पहचान नहीं सके, और एक हल्का सा उनको शायबा भी ना हुआ, शुबा भी ना हुआ उनको कि ये हमारे भाई हैं। और फिर सारी जांच पड़ताल करने के बाद, उनका डाटा कलेक्ट करने के बाद, और उनकी पूरी लिस्ट बनाने के बाद कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं और आपकी क्या फैमिली है, कितने माँ हैं, कितने भाई बहन भाई हैं आप लोग, और आपके वालिद साहब कौन हैं, सब कुछ लेने के बाद आगे ताला कहते हैं वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ालतूनी, जब उन्होंने उनका सामान सारा तैयार किया, गल्ला देके और अनाज देके, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा उतूनी, तुम सब लेके आना मुझे, बिअख़िन लकुम मिन अबीकुम, तुम्हारा जो भाई है जो तुम्हारे बाप से है। पूरी डिटेल ली हुई थी, उन्होंने बताया था कि ये एक हमारा बिन्यामीन भाई है, जिसका एक मशहूर नाम बिन्यामीन है, जो तो तुम्हारी दूसरी माँ से है, तो तुम ज़रा उसको भी है ना तुम लेके आना, मैं उसका गल्ला नहीं दूंगा, मैं सिर्फ उसका गल्ला देता हूँ जो आज मेरे सामने मौजूद है। तो उससे हमें यही पता चलता है कि अगर हमने कभी कभी ट्रांसपेरेंसी रखनी है और हमें फ़ील हो रहा है कि हमारी जो चीज़ है वो उस तरीके से वेस्ट होगी, तो हमें पर्सन टू पर्सन या इन पर्सन या वन ऑन वन एक बंदा सामने हाजिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हम उस तरह के जो भी काम कर सकें ताकि हम इस तरह की किसी भी करप्शन से या फिर ट्रांसपेरेंसी ना होने से बच सकें। अल्लाह तरुणा, और दलील भी उन्होंने इस बात की दी कि अन्नी उफिल कैला, क्या तुम मुझे नहीं देखते, अन्नी उफिल कैला, कि मैं पूरा पूरा गल्ला देता हूँ, पूरा पूरा नाप देता हूँ, वाना खैरुल मुनज़िलीन, और मैं मेहमान नवाज़ों में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाज़ों। सुभान अल्लाह, मतलब वो भाई जो अपने आप को उस्बा कहते थे, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन थे, जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक अंधे कुएं के अंदर डाल के आए, और वो जुल्म व सितम के बाप खड़े कर दिए, जिन्होंने इतने सालों की अपने ख़ानदान से दूरी की जो वजह बने थे, ये ज़र्फ़ होता है, ये ज़र्फ़ होता है एक इंसान का, वाना खैरुल मुनज़िलीन, कि दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम्हारा जानी दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसकी मेहमान नवाजी करो, क्या सब्र चाहिए होता है इसके लिए। आज हमारे इतने छोटे से सब्र हैं, इतने छोटे से, कि आज हम हल्का सा नमक आगे पीछे हो जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई एक इंसान हमें हल्का सा घूर दे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई इंसान हमारे थोड़े से पैसे खा ले हम उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इतनी छोटी सोच ये क्यों होती है, क्योंकि आपने अपने आप को लॉक कर लिया होता है, बंद कर लिया होता है, और आप उसको जो है दूसरी नज़रों से और जिहाद से पर्सपेक्टिव से गॉडली पर्सपेक्टिव से नहीं देखते आप लोग, जब तब एक इंसान अपने आप को इतना छोटा लॉक कर देता है कि वो समझ नहीं सकता, और उसके लिए एक छोटा सा इंसान, एक छोटी सी शख्सियत ज़िंदगी मौत का मसला बन जाती है। तो यहाँ आप देखें वो सारे के सारे सामने खड़े हैं, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा पूरा इख्तियार है, वो चाहे तो इनको अभी जिंदान में डाल दें, अभी जेल में डाल दें इनको, चाहे तो इनके हाथ पांव तोड़ दें, चाहे तो उनको कत्ल कर दें, सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन एक नबी का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सब्र देखें, कितना प्यारा सब्र, कि वाना खैरुल मुनज़िलीन, कि अपने भाइयों को बिठाया अपने हाथों से, उनकी मेहमान नवाजी की, और वर्ड आया खैरा, मतलब इसम तफ़दील, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मेहमान नवाज होस्ट मैं ही हूँ, तो तुम अपने एक भाई को लेके आना, उसको तुम छोड़ के आयो। फ़ैलम तातूनी भी, और धमकी भी दे दी, अगर तुम नहीं लेके आओगे मेरे पास फला का इल्ला लकुम इंदी, तो फिर मेरे पास कोई है ना फिर नाप और गल्ला नहीं है, वला तकरबून, और मेरे करीब भी ना आना फिर अगर तुम नेक्स्ट टाइम चाहते हो।
قالوا ان سب نے کہا سنراود عنہ اباہ، اس مسئلے میں ہم اپنے والد صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وانا لفاعلون، اور ضرور بالضرور ہم یہ سارے کام کر کے رہیں گے. وقال لفتیانی، اس ساری کانورزیشن کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اجعلوا بضاعتهم، یہ جو تھوڑا سا سامان بضاعہ لے کے آئے ہیں نا، جس کے بدلے ان کو غلہ مل رہا ہے، اور یہ وہی بضاعہ ہے، یاد رکھے گا، جو ایک زمانے میں یوسف علیہ السلام خود، بضاعہ کہتے ہیں سامان تجارت کو، جس کے عوض آپ جو ہے بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں، تو یہ چیز لے لیں، اب یہ چیز دے دیں ہمیں. تو ایک زمانہ وہ تھا جب یوسف علیہ السلام خود بضاعت ہے، وَأَسَرُّوهُ بضاعة، ان کو ان قافلے والوں نے سامان تجارت بنا دیا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ ایک ایک قوم جب آپ کے پاس وہی سامان تجارت لے کے آئی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا تو وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، ان کا جو قافلہ یا ان کے جو رائڈز ہیں اس میں تم کیا کرو، اسی بضاعہ کو چھپا دو تم، لعلهم يعرفونا، تاکہ میری جو بات ہے اس کے اندر کوئی جھول نہ رہے. مطلب کیا ہے کہ میں نے مفت میں ایک طریقے سے ان کو دے دیا، ان سے میں نے ٹریڈ نہیں کی، تو لعلهم يعرفونها، امید ہے جب یہ جائیں گے واپس تو اس کو پہچان لیں گے، الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور امید ہے یہ چیز واپس لانے کے لیے یہ سبب بنے گی جب، تاکہ وہ اپنے بھائی کو لے کے آ سکیں. فلما رجعوا الى ابيهم، اور پھر جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس لوٹے، قالوا يا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے والد صاحب، منع منا الكيل، ہم سے غلہ جو ہے وہ پورا نہیں دیا گیا، روک دیا گیا، ہم سب کا تو مل گیا لیکن جو بنیامین ہے اس کا نہیں ملا. فارسل معنا اخونا، اب آپ کیا کریں، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیں، نقتل وانا لہ لحافظون، تاکہ ہم پورا پورا غلہ لے کے آئیں واپس، وانا لہ لحافظون، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہی الفاظ جو یوسف علیہ السلام کو لے جانے سے پہلے بولے تھے اپنے باپ کو، وہی سیم ٹو سیم ورڈ ان کے بھائی جو ہے نا وہ بولتے ہیں. اب ان کے والد صاحب یہ ساری باتیں سنتے ہیں، پھر ایک دم سے ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح کے کچھ گنے چنے الفاظ، سملر ورڈز پہلے بھی بولے گئے تھے. اور جب ایک انسان کو کسی جگہ سے دھوکہ ملتا ہے نا، کچھ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں یا کچھ غداریاں نصیب ہوتی ہیں، تو اس کو اس زمانے کی ایک بات یاد ہوتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے ٹریپ کیا گیا تھا، مجھے کس طریقے سے جو ہے نا چال میں لایا گیا تھا، کیا کیا الفاظ بولے گئے تھے. اور پھر جب وہی الفاظ بولے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علیہ، کیا میں تمہارے اوپر ایمان لاؤں، تمہاری باتوں پر یقین کروں، اللہ کما امنتکم علی اخی، جیسے تمہارے بھائی کے یوسف کے مسئلے میں میں تمہارے اوپر ایمان لایا تھا من قبل، اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، تو اللہ ہی کیا ہے، خیر حافظ، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہی ہے. وهو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے اور رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا. اور بائی دی وے، یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 میں، آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، کبھی آپ سفر میں جا رہے ہیں یا کسی کو بھیج رہے ہیں، تو آپ دنیا جہاں سے توکل توڑ کے آپ نے اگر اللہ کے اوپر توکل رکھنا ہے، اس کے لیے کسی لفظ کی ضرورت ہے، کچھ الفاظوں کی ضرورت ہے، تو اس آیت سے اچھی کوئی آیت نہیں ہے جس میں آپ بولیں اللہ خیرا حافظ، اللہ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا بھی وہی ہے. ولما فتحوا متاعهم، اس ساری باتوں کرنے کے بعد جب انہوں نے کھولے اپنے سامان، متاع کہتے ہیں دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے متاع کہا، زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے متاع کہا، اور اس وقت جو ان کو غلہ ملا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں متاع کہتے ہیں. متاع کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جس سے بڑے ایک شارٹ ٹائم کے لیے ایک انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو غلہ ان کو ملا تھا وہ بھی بہت شارٹ پیریڈ کے لیے ان کو فائدہ دینا تھا. تو ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے اپنی وہ جو سامان تھا جو تجارت کے لے کے گئے تھے، کائنڈ آف منی، تو دیکھا کہ وہ تو انہیں واپس کر دی گئی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جو غلہ دیا وہ تو دیا، اس کے بدلے میں پیسے بھی نہیں لیے. اب یہ ان کو ایک کھلی اور دلیل مل گئی. قالوا یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے
वाले साहब हमें इसके अलावा और क्या चाहिए, हाजी ही बिजातुना रुदत इलेना, इतनी मुश्किल से जो जमा पूंजी थी हमारी वो तो हमें लौटा दी गई है, अब तो अब हमें हर हाल में क्या करें, वनमीरु अहलना, हम जाएंगे और गल्ला लेके आएंगे अपने घर वालों के लिए, वनहफ़ज़ु अख़ाना, और हम अपने भाई की भी हिफाज़त करेंगे, वनज़दादु कैला बईर, ताकि हम जो है एक ऊँट के बराबर हमें गल्ला और मिल जाए, ज़ालिका कैलु यसीर, ये तो बड़ा आसान है इस तरह से गल्ला हासिल करना, अगर जो बादशाह है बादशाह वक्त इस तरीके से गल्ला दे रहा है, ज़ालिका कैलु यसीर, ये तो बड़ा ही आसान। यसीर के दो माने हैं कि अभी जो मिला है बहुत कम है, और दूसरा माना क्या है कैलु यसीर, कि इस तरह से जो प्रोसेस है तो बड़ा आसान है, वरना तो आपको पता है कि यहाँ पे एक आटे की बोरी भी देनी हो इंसान कितना जलील करता है। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं लन उरसिलहु माकुम, हरगिज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा इसको, हत्ता तूनी मौसिकम मिन अल्लाह, यहाँ तक कि तुम मुझे एक अल्लाह का पुख्ता वादा दो, पुख्ता तुम एक अहद दो, लता तुन ननी भी, कि तुम ज़रूर बिल ज़रूर इस बिन्यामीन को मेरे पास वापस लेके आओगे, इल्ला यूँ हाथ बिकुम, मगर ये कि तुम्हारे साथ कोई मिसहैप हो जाए। और इस आयत के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम की एक हिकमत देखें, आप बच्चों को बाउंड भी कर रहे हैं और भरोसा भी नहीं है, अब एक एक वालिद का गम देखें, एक बाप का गम देखें, मतलब वालिद भी है बाप भी हैं और साथ में नबूवत वाला मसला भी है, नबूवत वाला इल्म भी है, अब वो सारी चीज़ें एक साथ जो है ना वो बंद हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का खौफ भी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का गम भी है, बिन्यामीन का खौफ भी है, नबूवत का इल्म भी मौजूद है इसी तरीके से, और जो है ना वो बाप भी हैं, अब ये सारी चीज़ें एक साथ लड़ रही हैं, तो उसका समर क्या निकलता है, वो क्या कहते हैं कि मैं हरगिज़ नहीं भेजूँगा इसको तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि तुम क्या करो मेरे साथ पुख्ता एक वादा कर लो। हम भी क्या करते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, कभी कभी इंसानों से ऐसे वादे लेते हैं जो हमें किसी भरोसा नहीं होता, हम कोई कसम खिलवाते हैं, कोई वादा लेते हैं, कोई हल्फ लेते हैं, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, ऐसा करोगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने 100% का हल्फ नहीं लिया, 100% का प्रॉमिस नहीं लिया, 100% की गारंटी नहीं ली कि तुम मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो कि तुम लेके आओगे, ये नहीं बोला सिर्फ, बल्कि क्या बोला, इल्ला युहाता बिकुम, मैं 100% तक तो जा रहा हूँ, लेकिन 100% क्या है कि तुम्हारी नीयत 100% सही होनी चाहिए, इल्ला यहाँ तो बिकुम, अल्लाह की कोई तकदीर आ जाए उसके लिए इन्होंने क्या है एग्जेम्पशन ऐड की इल्ला के साथ, इल्ला यहाँ बिकुम, मगर ये कि तुम अहाता कर लिया जाए तुम्हारा, तुम किसी चीज़ें फंस जाओ ना, नेचुरली तकदीरन तुम किसी चीज़ें फंस जाओ तो फिर एक अलग बात है। और हमें भी यही एक उसलूब अपनाना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, किसी को हम दे रहे हैं लेट्स सपोज कोई स्मार्टफोन दे रहे हैं, कोई गैजेट दे रहे हैं, कोई गाड़ी दे रहे हैं, या फिर कुछ भी उधार दे रहे हैं, ठीक है जी, तो आप उनको ये बोलें कि हत्ता तूनी मौफिकम मिन अल्लाह, तुम अल्लाह का मुझे पुख्ता अहद दोगे, इल्ला युहाता बिकुम, मगर ये कि तुम्हारे साथ कोई नेचुरल कोई इंसिडेंट हो जाए जिसमें ना मेरा इख्तियार है ना उस बंदे का इख्तियार है जिसको कोई चीज़ दी जा रही है, इससे क्या होगा कि वो वादा तोड़ने का या फिर कोई अहद तोड़ने का जो है ना उसको गुनाह नहीं मिलेगा उस तरीके से, मतलब उसकी नीयत पक्की थी, अल्लाह की तरफ से कोई इंसिडेंट हो गया वो एक अलग मसला है, या किसी और इंसान ने हमला कर दिया, कोई और कुछ कोई एक्स वाई ज़ेड मसला हो गया, तो ये है इल्ला युहाता बिकुम, हमें भी किसी से वादा करना चाहिए या कोई चीज़ देनी चाहिए उधार या फिर कोई कर्ज दें किसी को, तो आप क्या बोलेंगे तुम ज़रूर मुझे वापस लौटाओगे, इल्ला युहाता बिकुम, ये युहाता बिकुम बड़ी गहराई और हिकमत वाली बात है। फलम्मा अताहु मौसिकहुम, जब उन्होंने अल्लाह का पुख्ता अहद दिया उनको, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अला मा नकुल वकील, ये भी तवक्कुल का एक हाईएस्ट लेवल है कि तुमने तो बोल दिया, तुमने तो अपने असबाब पूरे कर लिए, लेकिन क्या है अल्लाहु अला मा नकुल वकील, जो अल्लाह ही है अला मा नकुल वकील, कारसाज जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर, वकौल या बनीजा, और जब सारा प्रोसेस पूरा कर लिया उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटों तुम जब जाओगे ना तुम खूबसूरत भी हो, तुम जब एक साथ जाते हो तो नज़रें भी लोगों के ऊपर होती हैं तुम्हारी, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, तुमने क्या करना है तुम एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, वतखुलू मिन अबवाब मुतफर्रिका, बल्कि तुम क्या करोगे दूसरे दरवाज़ों से तुम मतलब मुतफर्रिक दरवाज़ों से डिफरेंट डिफरेंट दरवाज़ों तुम्हें दाखिल होना है, वमा उग्नी अन्कुम मिन अल्लाहि मिन शय, और कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह से
वक्त से पहले तकदीर जब आने वाली होगी तो मैं कोई बचा नहीं सकती। इन हुक्मु इल्ला लिल्लाह, और हुक्म तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ही है। अलैहि तवक्कल, तो उसी के ऊपर मैं तवक्कुल करता हूँ। अलैहि फलयतवक्कल मुतवक्किलून, और तवक्कुल करने वालों को अल्लाह के ऊपर ही तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा रखने वालों को अल्लाह के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। देखें, पहले उन्होंने अपने असबाब पूरे किए, ये मैं हमेशा से समझाता हूँ। आप सूरह हूद पढ़ें, आप सूरह यूसुफ़ पढ़ें, आप अल्लाह के रसूल सल्लम की पूरी ज़िंदगी को स्टडी करें। पहले उसमें उन्होंने अपने जो भी एक ज़ाहरी असबाब थे, जिस तरीके से वो अपने बेटों को लॉक कर सकते थे, उन्होंने उसको पूरा पूरा किया। ज़ाहरी असबाब उन्होंने पूरे किए, इसे हम कहते हैं दवा पूरी करना। और उसके बाद दुआ वाला क्या था, अलैहि तवक्कल, तो मैं अल्लाह ही के ऊपर तवक्कुल करता हूँ, मेरे ऊपर मेरे पास कोई और ज़ात ही नहीं जिसके ऊपर मैं भरोसा करूँ। वअलैहि फलयतवक्कल मुतवक्किलून, और तवक्कुल करने वालों को उसी के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए, किसी और पर तवक्कुल नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये तवक्कुल है। तो एक चीज़ क्या होती है ज़िंदगी के अंदर, अज़म होता है, फ़ायदा अज़म था। दूसरा क्या है, फ़तवक्कल अल्लाह, एक का ताल्लुक होता है असबाब के साथ, दूसरे का ताल्लुक होता है सुपर नेचर तवक्कुल के साथ, जहाँ पे अल्लाह ताला अपने मौजज़े दिखाते हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला अपने बड़े फैसले दिखाते हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला अपनी विजडम सिखाता है, जहाँ पे अल्लाह ताला अपनी हिकमतें दिखाता है, तो वो है तवक्कुल का पार्ट। तो याकूब अलैहिस्सलाम भी इन क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर भी अपनी उन्हीं दो चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं कि पहले ज़ाहरी असबाब पूरे तरीके से ले लिए कि तुम इसको वापस लेके आओ, क्योंकि खुद तो जा नहीं सकते, बूढ़े भी हैं, कमज़ोर भी हैं, रास्ता भी बड़ा है, क्या कैसे जाएंगे, बाकी फैमिलीज़ भी हैं। तो अपने असबाब उन्होंने पूरे किए, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अब मैं तवक्कुल करता हूँ। इसी को बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। एक सहाबी आए तवक्कुल के बारे में कुछ पूछने लगे, बातचीत हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि हम ऊँट को बग़ैर बांधे भी तो तवक्कुल कर सकते हैं, हम ऊँट को नहीं बांधते, अल्लाह हिफाजत करेगा। मतलब क्या है कि हम ज़ाहरी असबाब जो हैं उनको हम पूरा नहीं करते, अल्लाह ही करेगा। हम दवा नहीं लेंगे, सिर्फ दुआ करेंगे, हम पैनाडोल नहीं खाएंगे, हम सिर्फ दुआ करेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम पहले ऊँट बांधो, जब ऊँट बांध लो तुम अपना काम पूरा कर लो, उसके बाद फिर तुम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो कि अब तुम्हारे उस ऊँट को कोई लेके नहीं जाएगा। मतलब क्या है, तो अपनी गाड़ी लॉक करो, अपने घरों की सिक्योरिटी पूरी करो, और उसके बाद फिर तुम क्या करो, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो कि अब तुम्हारी गाड़ी को कोई चोरी नहीं करेगा, ये गाड़ी का कोई सामान चोरी नहीं करेगा तुम्हारा, या फिर तुम्हारे घर में कोई दाखिल नहीं होगा इस तरीके से। तुम अपने घरों के दरवाज़े पूरे खोल दो, तुम अपनी गाड़ियों के जरा दरवाजे पूरे खोल दो, या फिर उनको लॉक ना करो, और उसके बाद तुम्हारे माइंड में ये हो कि अल्लाह बचा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप एक कुरान की आयत मुझे ऐसा दिखाएं जिसमें अल्लाह ताला ने बग़ैर सबब के बचा लिया हो। आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखिए ना, कैद के अंदर थे, दो दफ़ा अटैम्प्ट किए उनको, दो दफ़ा समझाने की बात की। पहला क्या समझाया उन्होंने, जाते ही बातों बातों में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म दिया ताकि क्या हो कि हो सकता है कोई रास्ता निकला है यहाँ से बाहर निकलने का। जब वो भी नहीं चला, उसके बाद फिर जब उसको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दो साथियों को कैद के जब ताबीर बताने की कोशिश की, तो फिर वन्ना अन्ना हूँ ना जिन, जिसके बारे में यकीन था कि ये निजात पा जाएगा, उसको कहा कि तुम अपने बादशाह को जाके बताना मेरे इस इल्म के बारे में, मेरे बारे में, कि एक शख्स बग़ैर किसी जो है ना जुर्म के बैठा हुआ। अब वो भुला दिया गया, एक अलग मसला, लेकिन वहाँ पे भी वो हाथ पाँव मार रहे हैं, वहाँ पे भी वो अपने जो ज़ाहरी असबाब हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम भी यहाँ देखें। तो आपको अब अल्लाह के रसूल सल्लम का जो बदर का मौका है वहाँ भी देख लें आप, खाली हाथ नहीं गए, जिनके पास तलवारें थीं वो तलवारें थीं, जिनके पास घोड़े थे घोड़े, जिनके पास कुछ नहीं था तो शाखों से लड़ने गए वो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ सबब तो रखा ना, कि लकड़ी मारूंगा सर तो फटेगा कम से कम। बाद में अल्लाह ताला ने उसकी जो नेचर थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या उसका जो इम्पैक्ट था वो चेंज कर लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका काम क्या है कि अपनी तरफ की जो मैथमेटिक्स है, अपनी तरफ की जो कैलकुलेशन है, अपनी तरफ की जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, उस पर भरपूर तरीके से काम करें, उसके बाद आप बात करें बड़ी बड़ी कि अब अल्लाह ताला जो है ना वो भेजेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के आप जितने भी अल्लाह ताला ने उनको मौजज़े दिए, ख़ासतौर पर लाठी का जो मौजज़ा था, तो लाठी मारना एक सबब था, एक इंसान को यकीन ही नहीं होगा वो लाठी नहीं मारेगा, अल्लाह ताला अब कहते हैं इज़रे मारो, जब मारना उनका सबब था, और उस समंदर को, उस पानी को फाड़ना, वो अल्लाह का तवक्कुल था, वो अल्लाह का मौजज़ा था। तो ये मौजज़ात या अल्लाह की तरफ से हेल्प या अल्लाह की तरफ से मदद कब आएगी, जब हम अपनी तरफ से सारे काम करेंगे। आज एक बड़ी कौम है हमारी, बहुत बड़ी कौम है, ख़ासतौर पर इम्तिहानों में मैंने देखा है, पूरा साल नहीं पढ़ना उन्होंने, 3 महीने पहले भी नहीं पढ़ना, 2 महीने पहले भी नहीं पढ़ना, 1 महीने पहले भी नहीं पढ़ना,
उसके बाद फिर एंड में जो है ना वो हज़ार हज़ार नफिलों की मन्नतें मान लेते हैं कि जी अल्लाह ताला अगर आपने मुझे पास कर दिया तो मैं हज़ार नफिलें पढ़ूंगा और मैं ना 100 रोज़े रखूंगा और आपका अल्लाह भला करे इतना सबका खैरात करूंगा। ठीक है, ये सब क्या है कि दुआ को कबूल करने का एक तरीका है ना। तो आपने पढ़ा नहीं, आपने अपना काम नहीं किया और उसके बाद आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की, अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है ना आपको पास करा देगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कायनात में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जनाबे वाली। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला कहते हैं वलम्मा दखलू मिन हैथ अमर हुम अबू, जब वो सब दाखिल हुए जहाँ से उनके वालिद साहब ने उनको हुक्म दिया था, मतलब मुतफरिक दरवाज़ों से, तो मा कान युग्नि अन्हु मिन अल्लाह मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्सि याकूब कज़ाहा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मतलब अल्लाह की तरफ से जो आने वाली चीज़ है ना उससे तो कोई नहीं रोक सकता, मतलब ये कि इल्ला हाजतन फी नफ्सि, एक कोई बात थी याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में कज़ाहा जो उन्होंने पूरी की, व इन्नहू लज़ू इल्मिन, और वो बड़े इल्म वाले थे याकूब अलैहिस्सलाम, बड़े इल्म वाले। लेकिन जैसे अल्लाह ताला इंसान के इल्म की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह ताला वहीं पे उसकी नस्बत दो चीज़ें कर देता है, या तो नस्बत अपनी तरफ कर देता है कि हमने उसको इल्म दिया, या फिर क्या कह देता है अल्लाह ताला हमने उसको थोड़ा सा इल्म दिया। तो वह इन्नो लदो इल्म लिमा अल्लमना हो, और यकीनन वो बड़े इल्म वाले थे, क्यों लिमा अल्लमना हो, क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था। अब सोचें, एक होता है उस्ताद, एक होता है शागिर्द। अब शागिर्द की बड़ी वाह वाह हो रही हो कि हाँ यार बड़ा ज़बरदस्त शागिर्द, तो शागिर्द की वाह वाह का असर मतलब क्या होता है? अल्लाह की वाह वाह। अल्लाह कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ है रब्बुल आलमीन के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कभी कभी कि तारीफ़ तो कभी कभी मखलूक की भी हो रही होती है, मेरी भी हो रही होती है, आपकी भी हो रही होती है, तो अब उसमें तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं हो रहा होता। एक इंसान कह सकता है भाई वहाँ तो अल्लाह की हम नहीं हो रही, तारीफ़ नहीं हो रही, लेकिन अच्छा जवाब ये है कि जब मखलूक की तारीफ़ भी हो रही है कि जी फ़लाँ शख्स को देखें क्या ही आला चीज़ है, फ़लाँ शख्स को देखें क्या ही इसकी टोर है, फ़लाँ शख्स को देखें क्या बन गया है, तो वो असल में क्या हो रहा होता है? मखलूक की तारीफ़ का मतलब क्या होता है? उसके बनाने वाले की तारीफ़। एक इंसान अच्छा बोलता है, उसको किसने ये सलाहियत दी कि वो अच्छा बोलता है? माँ के पेट से तो वो ऊँ करने ही आया था, उसको तो बोलना भी नहीं आता था, किसने उसको बोलने की सलाहियत दी? अल्लाह। एक इंसान खूबसूरत है तो वो क्यों खूबसूरत है? अल्लाह ने उसको खूबसूरत बनाया। तो मखलूक की जितनी भी तारीफ़ होगी वो हकीकत में खालिक की तारीफ़ होगी। जब ये अल्लाह ताला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी तो है ही है, मेरी तो, मैं तो हमीदुन हूँ बिला हामिदिन, बगैर किसी हम करने वाले की मेरी मेरी हमद है। अल्लाह कहता है मेरी हम तो है ही है, कोई हम करने वाला हो या ना हो, जब मेरी मखलूक की भी कोई हम तारीफ़ करेगा तो वो भी असल में क्या है? अल्लाह ही की तारीफ़ है। तो लदु इल्मिन लिमा अल्लमना हु, अल्लाह ताला कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को कि वो बड़े इल्म वाले थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था। बोला कि ना अक्सर उन्ना सिला यालमून, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो नहीं जानते इस बात को। तो यहाँ पे आज का सेशन हम इसको क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह। कल फिर हम क्योंकि वो बिन्यामीन को लेके आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस दरबार में, उसके बाद फिर वहाँ पर क्या पूरा स्टोरी कहाँ किस तरह जाती है उसको फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दें, अल्लाह ताला हमारे बैठने को, हमारे पढ़ने को, हमारे सुनने को कबूल करे और हमारे इल्म के अंदर बरकत दे और हमारे अमल के अंदर बरकत दे। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलिसाइरिल मुस्लिमीन वआख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।